हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज, जैसे आप सबको पता ही है, मेरी आईडी अभी आई नहीं है, किसी ने वो हैक करा दिया। और ना मैं आज इसमें ना यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, मेरे पास हैकर का मैसेज आया था। ये चीज़ मैंने आपको शायद इंस्टा पे भी बताई थी। तो यहाँ पे ना आप उनकी रिकॉर्डिंग देखिए, जब मैंने वीडियो मतलब वीडियो डालूंगी या फिर मैं फोटो डाल दूंगी तो आपको यहाँ की स्क्रीन पे दिख जाएगी, तो मैं उसको डालूंगी। उसमें उन्होंने ना साफ साफ बताया हुआ है कि आपकी आईडी मेरी आईडी को किसी ने 17,000 रुपये देकर हैक कराया था, पाकिस्तान के हैकर से। उनका कोई ग्रुप होगा हैकरों का, उसमें उसकी आई थी स्क्रीनशॉट मेरी फोटो का, आईडी की फोटो का, कि ये वाली आईडी उड़ानी है। तो गाइस, हमें तो लगता है यार, हम तो एक एक पैसा भी होता है ना, तो बहुत मेहनत से कमता है, टाइम लगता है, सब कुछ जाता है। लोग अपने 17,000 रुपये दूसरे का नुकसान करने के लिए उड़ा देते हैं, है ना। कितने फालतू दुनिया है और कितने फालतू लोग हैं। तो मतलब मेरे को यार ऐसा लग रहा है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास कितना फालतू टाइम है और इतना फालतू पैसा भी हो सकता है, और वो हमसे चिढ़ता भी है और उसको हमें आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख सकते। ऐसे लोग हैं जो अपने 17,000 रुपये बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ मेरी आईडी उड़ाने के लिए, कि भाई इसकी आईडी हटा दो ताकि ये आगे ना बढ़ पाए। वही आपको पता ही होगा, मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी चलती हैं, वीडियो रीच अच्छी जाती है, तो उससे लोग चिढ़ते हैं क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। और ये मेरी एक दिन की मेहनत नहीं है कि मैंने आज से शुरू करी और आज मेरी वीडियो वही मिलियंस में चलेगी। पिछले 3 साल को भी उठा के देखो ना आप लोग, 3 साल से जानते हो, 3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से रेगुलर हमारी वीडियोज आती हैं, तो उसमें टाइम लगता है। पर लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो किसी तरह बस ऐसे पहुंच जाएं, इनकी वीडियो हटा दो और वो सारा काम हमें मिल जाएगा, हम कर लेंगे। पता नहीं कैसी कैसी सोच हो गई है लोगों की, है ना। पर चलिए कोई नहीं, आज वैसे मैं आपको इस बारे में बात नहीं करने आई थी, आज मैं आपके साथ अपने कुछ चीज़ें शेयर करने आई हूँ। और ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जिनका जवाब देना ज़रूरी हो रहा था, क्योंकि उनके कमेंट मुझे आए जा रहे थे, मुझे बता रहे थे। और गाइज़, ये बात सच है कि देखिए, फैमिली की जो चीज़ें होती हैं उनको अगर आप सोशल मीडिया पर लाएंगे तो फिर तो लोग, जब लोगों को पता चलेगी तो लोग उसके बारे में बातें करेंगे, है ना। बट जितना आप अपनी चीज़ों को अपने तक लिमिटेड रखोगे उतना अच्छा है। बट जब वो चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं और आपकी एक अलग से फैमिली बन जाती है, उसके सामने जो चीज़ें आती हैं, तो फिर उनका भी हक बनता है कि कहीं ना कहीं वो आपके बारे में इस चीज़ को जाने, उसके बारे में बात करें, और आप उनको फिर जवाब देते हो। फिर उनका दिमाग है, पब्लिक जानती है सब कुछ, है ना। ऐसा तो नहीं है भाई मैं चीज़ें देख रही हूँ, मैं आज चीज़ देख रही हूँ, मैंने बनाई है, मैं भूल जाऊँगी मैंने क्या डाला था, बट जो पब्लिक ने देखा है वो उसे याद रहता है उसने क्या देखा है। तो इसी बारे में मैं बातें कर रही हूँ आज, कि आजकल ना सोशल मीडिया का लोग बहुत अच्छे से भी यूज़ करते हैं और बहुत बेकार में भी यूज़ कर रहे हैं। अब अपनी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे रखते हैं ताकि हम आपसे अपनी बातों को थोड़ा सा चेंज करें, अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस, मतलब जो भी चीज़ें हैं मतलब हमारी आपसे जाएँ, ठीक है। और ना कुछ लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसे करते हैं कि अपनी चीज़ें सोशल मीडिया पे ले आते हैं और उनको उस चीज़ से बहुत वो पड़ता है। बट यहाँ पे अपनी बातें अगर हम सोशल मीडिया पे रख रहे हैं तो आप बार बार एक चीज़ के लिए किसी को पोक करते रहोगे तो उस इंसान का भी मन रहता है कि यार मैं इस चीज़ को जवाब दूँ, ये ऐसा है ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप रिश्तों को इस तरह से प्रेजेंट करोगे ना तो उनकी धज्जियाँ उड़नी है ही है ना। ये बात तो है। तो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, अभी मेरी भाभी ने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, दो एक दिन पहले ही, कि मैं नंदों की सच्चाई बताती हूँ। तो जी, हम भी सुन लेते हैं भाभी हमारी क्या नंदों की सच्चाई बता रही हैं। तो ये वीडियो आपने उनकी देखी होगी, है ना, कि क्या वो हमारी सच्चाई बता रही थी, क्या नहीं बता रही थी, उसके बारे में उसने क्या क्या बताया, क्या नहीं बताया। काफ़ी टाइम हो गया उसको भी यूट्यूब बनाए हुए, 2-3 साल हो गए ऑलमोस्ट, जब शादी हुई थी उसके थोड़े दिन बाद ही, इवन बनी भी नहीं हुआ था, बनी अब 2 साल का हो चुका है, है ना। और हाँ, मतलब शादी के थोड़े टाइम बाद ही हम, मैंने भी जब चैनल स्टार्ट करा था तब मैंने भाभी से भी स्टार्ट करवा दिया था, ऑलमोस्ट 1 साल बाद ही, के चैनल शुरू कर ले अपना, बनाते हैं वीडियो बनाया कर, ये करा कर, वो करा कर, उसने भी शुरू करा, वहाँ से वो वीडियो भी बनाती है, आप उसके डेली वीडियोस भी देखते थे। अब कुछ टाइम से वो रेगुलर नहीं है जब से बनी हुआ है। तो मैं आपके साथ ना कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जो कि आज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ एक तरफ की बात सुनी, दूसरी तरफ की आपने बात ही नहीं सुनी, तो आज मैं आपको भी कुछ बातें क्लियर करूँगी कि क्या बात थी कैसे नहीं थी, है ना। तो चलिए मैं बताती हूँ गाइस, मेरी भाभी ने एक वीडियो डाली है अभी के चारों नंदों की सच्चाई बताती हूँ और ससुराल के बारे में क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें उसने डाली है ना, ये उसे कमेंट आते हैं लगातार कि तुम्हारी नंदे तुम्हें सपोर्ट नहीं करती, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, तुम ऐसे रहती हो, तुम वैसे रहती हो, तुम डिप्रेशन में रहती हो, तुम्हारी ड्रग सर्कल है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तुम्हारा ये वो फलाना ढिमका, बहुत चीज़ें उसको बोलते हैं। और ना सच्ची बताऊँ तो वो सारी चीज़ें हमसे शेयर करती है कि दीदी मेरे पास ये आ रहा है, मेरे पास वो आ रहा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हम उसको बहुत इजीली कहते हैं, देख अगर तेरा मन है
खुद का मन है वीडियो बनाने का तो बना, मन नहीं है तो मत बना। बट मैं फिर भी कहूँगी कि अपने आप को थोड़ा बिजी रखने के लिए वीडियो बनाया कर। थोड़ा सा लोग ना, मतलब हम भी हैं, कभी परेशान होते हैं, कुछ होते हैं, थोड़ा वीडियो बनाने लगते हैं। पहले वीडियो रिकॉर्ड करी, उसको बनाया, उसमें कुछ कंटेंट डालना है, अभी देखो एक रेसिपी बनाई, अपना रूटीन शेयर करो, तो उसमें बिजी हो जाते हैं। फिर उसको एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो, तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम चला जाता है। लेकिन जो अब मैं खाली बैठी हूँ, सिर्फ मैं एक परेशानी के बारे में सोच रही हूँ, तो वो दिमाग वहाँ रहता है। अब उसको क्या परेशानी है, हमारे घर में जिस दिन वो जब नई नई थी ना, जब उसने चैनल स्टार्ट करा था, जो उसको बहुत पहले से जानते हैं और मुझे जानते हैं, जब उसको चैनल स्टार्ट करा था, हमने ही कराया था, हम उसकी नंदे हैं, तो हमने ही उसको स्टार्ट कराया था कि भाई कर ले, ठीक है। उसने चैनल स्टार्ट करा, अच्छे से अपना बनाया, जितना उसका मन था, जितनी उसको मतलब टाइम मिलता है, क्योंकि घर में वो अकेली है, मम्मी का आपने देखा है पिछले 2-3 सालों में, और मेरे रेगुलर ब्लॉग्स में, उसके ब्लॉग में कभी मम्मी के पैरों का ऑपरेशन हुआ, कभी मम्मी का पहले आंखों का ऑपरेशन हुआ था, अभी मम्मी का फिर से आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो ये चलता रहता है ना। काम करने वाली वो अकेली ही रह जाती है, वैसे उसकी हेल्पर वगैरह है, बट हेल्पर के बाद भी घर में 100 तरह के काम होते हैं, खाना पीना बनाना और सबकी केयर करना। फिर उसके बीच में उसकी प्रेगनेंसी हुई, बनी हुआ, बनी को बड़ा कराया, बनी के लिए भी हेल्पर रखी हैं, जैसे हमने उसके लिए रखी थी, बट फिर भी बहुत बार होता है बच्चा नहीं समझ पाता। अब जैसे जीनू है, मेरी पूरी ज्वाइंट फैमिली है, बट फिर भी उसको मम्मा चाहिए कई बार, तो 100 चीज़ें हो जाती हैं, तो वो नहीं रेगुलर हो पाई। उसका मन था, हमने फोर्स भी नहीं करा, किसी ने फोर्स नहीं करा, फोर्स करेंगे भी, क्योंकि जब जिसके पास जितना टाइम है उतना उसको करना चाहिए, उसने उतना करा। फिर बारी आई बनी, थोड़ा बड़ा हुआ, उसने रेगुलर होना स्टार्ट करा, देन उसकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई, यहाँ से नहीं, घर से नहीं, घर में सब ठीक है, पहले मम्मी का ऑपरेशन हुआ, वो उसमें बिजी हो गई, फिर कभी उसकी हेल्थ थोड़ी सी ऐसी हो गई थी, कभी चल जाता है, अप डाउन है ना। फिर एक बार उसके मामा जी एक्सपायर हो गए थे, उनको कैंसर था, तो वो अपने बच्चों को सबको ही पता, इवन हमें भी पता है, सब अपने मामा मौसी बुआ चाचा ताऊ सबसे कितने कनेक्ट रहते हैं। वो उनके लिए एक डिप्रेशन टाइम था, क्योंकि उनका कुछ ज़्यादा था, तो वो बहुत ज़्यादा उससे हुए, सब परेशान, डिस्टर्ब उनकी पूरी फैमिली है ना, बट वहाँ की फैमिली डिस्टर्ब हुई है उस फैमिली से, उनके वहाँ के रिलेशन से। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आके एकदम से सब चेंज हो जाएगा, चीज़ें तो माइंड में रहती हैं, टेंशन रहती है यार, तो फिर उसको टाइम रिकवर होने में टाइम लगा। फिर उनके फैमिली में शादी आ गई, उनके भाई भाई की शादी आई, तो फिर वो उसमें बिजी हो गए, उससे लगा अब मैं बनाऊंगी, देन तभी साथ के साथ मतलब ये था कि मैं अपने वीडियोज़ वगैरह बना ली हैं, अब थोड़ा सा वापस से चेंज करेंगे। फिर वो उसने अपनी शादी वगैरह की वीडियो बनाई, फिर साथ साथ लवी को प्रेगनेंसी हो गई, कंसीव हो गया था, ठीक है, वो चीज़ हमने रिवील नहीं करी। जैसे मैंने अब अपनी प्रेगनेंसी कर दी है ना, तो आप लोग अभी भी कह रहे थे आपने जल्दी करी, मुझे हर कोई, हर एक बंदा सब ये कह रहे हैं आपने बहुत जल्दी रिवील कर दी, जो जानते हैं, बट मुझे लगा कि ठीक है बता दी, क्योंकि फिर नहीं बताती। अब जैसे आप लोगों को अब लवी का पता चला है, सेम यही होता कि उतने टाइम बाद बताऊंगा, मेरी तो थर्ड प्रेगनेंसी है, मुझे तो फिर थोड़ा सा एम्बेरेजिंग फील होता है, इसलिए तो मैंने पहले बता दी थी कि अगर लोगों को ज़्यादा ऐसा रहेगा ना, तो मैं देखूंगी इसका क्या करना है, तो फिर भी मैंने चलो बता दी, नहीं उसको सही लगा नहीं बताना, अपनी पर्सनल चॉइस होती है ना। और जैसे उसने अपने ब्लॉग में भी कहा कि भैया हमारा पर्सनल रिलेशन है, मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाती। फिर इतना ही हुआ, और फिर थोड़े दिन बाद उनके चाचा जी एक्सपायर हो गए, तो घर में 2-3 डेथ हो गई हैं, शादी है, कुछ मिसकैरेज हो गया, अपनी हेल्थ इशू है, फिर मम्मी का ऑपरेशन हुआ, मम्मी का फिर एक और ऑपरेशन हुआ, मतलब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंसान उलझा रहता है, परेशान रहता है, और भी छोटा मोटा कुछ चलता रहता है ना। और ऐसा नहीं है बिल्कुल ही बंद कर दिया, कभी कभार ब्लॉग्स डाले हैं जब उसका मन कराया, कभी ठीक है डाल दिया, नहीं डाला, बस ये चलता रहा। तो उसमें ना जिन लोगों ने देखा, जब सब समझ गए, सबने देखा, अच्छे से देखा, बट लोगों ने क्या कमेंट करें कि अपने रिश्तों को तुम सोशल मीडिया पे लाके धज्जियां उड़ा रहे हो। गाइस धज्जियां तो जब उड़ाते हैं कि हम किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, और सिर्फ व्यूज लेने हैं, तो हम धज्जियां उड़ा देंगे, ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा, मेरे को तो उससे आगे रिलेशन रखना ही नहीं है, है ना, ऐसे ही रखेंगे। बट उसने जिस चीज़ बोली है, अपनी सारी फीलिंग्स बताई हैं, वो लोग आप लोगों ने देखी ही नहीं, पूरा प्रॉपर ब्लॉग ही नहीं देखा, सिर्फ टाइटल थंबनेल, और टाइटल थंबनेल आप ही के कमेंट से लिया है उसने, जो लोगों ने बोला है कि अपनी 4 नंदों की सच्चाई बताओ कैसी है वो, तो उसने बताया, मैं आज बताती हूँ अपनी 4 नंदों की सच्चाई। तो ये है सच्चाई, तो आप उसके मुंह से ही सुन लीजिए कि हम उसको कभी किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं है कि मत कर, कर नहीं कर, जो उसको अच्छा लगता है कर दिया। इवन हम उसको यही कहते हैं कि हाँ इवन एक्टिव रहे, थोड़ा एक्टिव रहेगी खुद के लिए अच्छा रहेगा, तो बनी भी थोड़ा बड़ी है, बड़ा हो रहा है, बिजी हो जाएगी, तो थोड़ा सा ये है कि टाइम पास हो जाता है, क्योंकि
मम्मी है, देखिए आप कितने भी हो समझते हो कि मम्मी है, सास है ना, सास के साथ एक अलग रिलेशन रहता है, जो कि देवरानी जेठानी के साथ अलग रहता है, नंद के साथ अलग, उसकी एज की उस घर में अभी कोई है नहीं जिससे वो अपनी बातें करे, अपनी चीज़ें करें, है ना, उसको सलाह दें। लेकिन हम जाते हैं ना, जब हम तीनों चारों बहनें चले जाते हैं, जब हम उसके साथ मिलते हैं, तो वो हमारे साथ खूब मस्ती करती है, उसके ब्लॉग्स भी रेगुलर होते हैं, वो रील्स भी डालती है, उसको थोड़ा सा लगता है दीदी बनानी है तो हम भी बनाएं, मैं भी बनाऊं, मैं भी करूं, मैं भी शूट कर लेती हूं, तब वो कर लेती है। और जब वो कह लेते हैं दीदी मैं क्या कंटेंट बनाऊं, मैं क्या बनाऊं, अब आप होते तो आपके साथ ये कर लिया, मैं इस सत्या बनाऊं, इसके पापा तो वर्क फ्रॉम होम रहता है या फिर आप ऑफिस जाने लगे तो वो वहाँ चले जाते हैं, बनेगा तो वही रूटीन है, मतलब उसको अपनी लाइफ में ऐसा लगता है। तो फिर हम बोलते हैं देखो तुम्हारा ये रूटीन देखना लोगों को ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे ही शुरू करा कर, ऐसे ही शेयर करा कर, देन उसने अभी मिनी ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट करे हैं और वो लोग देखते भी हैं। तो पता नहीं यार, समझ ही नहीं आता लोगों को क्या दिक्कत है, जब वो नहीं बनाती तो अभी पीछे पड़ जाते हैं, और जब बनाती है तो अभी पीछे पड़ जाते हैं। अब ये मेरे को आपको इतनी पूरी रामकथा बताने का ये मतलब था कि बहुत सारे लोगों ने उसका ब्लॉग नहीं देखा होगा, सिर्फ टाइटल थंबनेल का पिक्चर और बोले लेकर मेरे पास आ रहे हैं, आपकी भाभी ने आपके बारे में क्या बोला है, आपकी भाभी ने आपके बारे में क्या बोला, मेरी भाभी ने मेरे बारे में क्या बोला है, मेरी बहनों के बारे में क्या बोला है, वो जाके आप ब्लॉग में देख लो क्या बोला है क्या नहीं बोला है, ठीक है। और जो भी बोला है उसने बढ़िया ही बोला है, अच्छा ही बोला है, जैसा है वैसा ही बोला है, उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज़ें हैं वो उसने बता दी और जो है सामने वो कर देती है। तो गाइस अभी मैं बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कमर दुख गई काफ़ी ज़्यादा, तो सॉरी गाइस मैं थोड़ा सा लेट के बना रही हूँ व्लॉग, अब मैं बैठे बैठे थक गई थी। तो देखिए ऐसे होता है, जैसे उसने बताया ना वो सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, हमारा भाई है जो उसको हर चीज़ में सपोर्ट करता है, वो आज ये कहेगी मेरे को ये चाहिए, मुझे व्लॉग से रिगार्डिंग ये करना है, उसके लिए फुल सपोर्ट है, पापा से कहेगी पापा करेंगे, मम्मी से कहेगी मम्मी करेंगी, ठीक है। बनी तो है घर है ही छोटा, हमसे कुछ कहेगी हम भी उसकी हेल्प कर देंगे। लेकिन जब अगले का मन ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी मतलब मेंटली इस टाइम पे हालत ठीक नहीं है, क्योंकि फैमिली में जिन जो भी मैंने बताया जब चीज़ें ठीक नहीं है तो वो कैसे ब्लॉक करेगी, कैसे उसे कोई सपोर्ट करेगा, कैसे उससे कोई ज़बरदस्ती बनवा देगा, ये तो किसी के लिए भी नहीं है ना। और ज़बरदस्ती किसी से नहीं हो सकता जब तक इंसान का मन ठीक नहीं है, खुश नहीं है, खुद से मोटिवेट नहीं है। जब वो ठीक लगा उसे, अब उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, अब उसे लगा कि हाँ मुझे मैंने प्रॉपर टाइम ले लिया। तो मुझे ये भी कमेंट आया था, तुम वैसे तो अपने यहाँ जाती हो वहाँ जाती रहती हो, तुमने कभी भाभी से मिलने नहीं गई। गाइस हम लोग, हम नंद है, हमारे पास एक भाई है और एक ही भाभी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए हैं, गए हैं, हम गए हैं। आपने देखा होगा जब मम्मी का ऑपरेशन था तब हम लोग गए थे, तभी की ये बातें हैं। तो हम तब भाभी से मिले थे, है ना, तब उससे मिल मिला के आए, और फिर उसके बाद जो उसकी तबीयत खराब हुई कुछ हुआ तो फ़ोन पे हमारी बातें हुई थी, बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, मतलब वो सारी चीज़ें उस टाइम पे हुई, एग्ज़ाम्स वगैरह भी आ गए, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके घर में भी कुछ था, मम्मी का भी कुछ हो रखा था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसके बारे में हमने कहा आप मिलने नहीं गए, आप ये नहीं गए। हमारे यहाँ से सब गए थे जब उनके यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, मम्मी पापा हम भी, तो ऐसा नहीं है नहीं आते जाते, बट सारी चीज़ें हर चीज़ का ब्लॉग मैं भी नहीं बनाती हूँ। आपको पता है मेरे दिन के दो दो चार चार ब्लॉग नहीं आ रहे हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं। बहुत दिन तक कई बार ऐसा होता है, आपने पीछे भी देखा होगा, मैं भी पीछे काफ़ी डिस्टर्ब थी, नहीं कर पाई रेगुलर, है ना। तो अपनी लाइफ होती है यार, हम उस टाइप के नहीं है एकदम प्रोफेशनल, कोशिश करते हैं कि हो जाएं, बट उस टाइप के प्रोफेशनल नहीं है कि आपको हर आधे एक घंटे में एक एक सांस लेने तक की अपडेट देंगे, वो नहीं होता है। जब हमारी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस होती है ना तो वो चीज़ें वहाँ रुक जाती है, दो तीन दिन रुक गई, कुछ ऐसा हुआ मुझे कहीं जाना पड़ा आना पड़ा, मैं उसके बाद ब्लॉग डाल देती हूँ। कहीं किसी के कुछ परेशानी हो गया किसी की फैमिली में, हम चारों पांचों भाई बहनों के रिलेशन में, रिलेटिव में, ससुराल में, मायके में, जो भी है, तो वो चीज़ें वहाँ जाते आते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो सब चीज़ ही रिकॉर्ड करें और सब चीज़ ही डालें और उसमें मिर्च मसाला लगा के सिर्फ अपने व्यूज़ लें। तो ये तो हम नहीं करते हैं और आगे भी शायद नहीं करेंगे, ना ही भाभी करेगी ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो इतना तो हमें है, और बाकी रही बात सिर्फ व्यूज़ लेने की और अपने रिश्तों को, तो यहाँ पर कोई किसी की धज्जियाँ नहीं उड़ा रहा है, सिर्फ जैसे रिश्ते हैं उनको वैसे ही बताया गया है, उसमें धज्जी उड़ाने की बात नहीं है। तो इस तरह के कमेंट करने से पहले मुझे लगता है आप लोगों को पहले एक बार देख लेना चाहिए कि वो बोल क्या रही है, कह क्या रही है, है ना, उसको डिप्रेशन है, डिप्रेशन किस चीज़ का होगा, वो अपनी लाइफ में खूब खुश है, खूब अच्छा कर रही है, सब बढ़िया है, बट जब बहुत टाइम बाद बहुत टाइम लेके कैमरा फेस करते हैं ना कि बोलना आता, तो थोड़ा सा घबराहट होती है, उसको नहीं समझ आ रहा कि अभी मैं किस टाइप से बातें करूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, तो वो चीज़ें हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो किसी डिप्रेशन में है कुछ है, क्योंकि उसकी लाइफ में भगवान की दुआ से अभी सब ठीक चल रहा है। अब थोड़े दिनों बाद सब ठीक हुआ, क्योंकि बीच में उसने काफ़ी बेकार टाइम भी देखा था, जब घर में डेथ भी हुई है, खुद का मिसकैरेज भी हुआ है, उन सब से निकल के अब वो थोड़ा सा सेटल हुई है, अभी वो घूमने फिरने भी गए हैं, तो अब चीज़ें ठीक हुई हैं, तो अब वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। अब जो वो ब्लॉग्स बनाएगी वो आपको रोज़ रोज़ देखने को मिलेंगी। तो
मैं बस यही कहूंगी कि दूसरों की लाइफ में ना, मतलब हमने आपको हक दिया है बोलने का, ठीक है, बट उतना भी मिर्च मसाला लगा के मत करो कि जिसके बीच में लड़ाइयाँ ना हो, तो उनके घर में भी आप लड़ाइयाँ करवा दो। लड़ाई हो जाती है कि सिर्फ कमेंट देख के, कमेंट के स्क्रीनशॉट जाते हैं, देख मेरे बारे में ये कमेंट आया, देख तेरे बारे में ये कमेंट आया, तो ऐसी चीज़ें ना ही करो गाइस। सुख शांति से आप रहो, दूसरे के घर में सुख शांति बने रहने दो, है ना। बट तो चलिए, आज के लिए सिर्फ मुझे यही बकवास करनी थी, यही बात करनी थी आप सबके साथ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।